हेलो। तो प्रिंस यार, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपना जो प्रीवियस वीडियो था एक डाला था जिसपे 130 या 140 से ऊपर व्यू है, तो व्यूज़ कैसे लाया था। तो व्यूज़ लाने के लिए मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है ना, उसको आप क्लिक करोगे ना तो आपको ऐप मिलेगा। वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है, तो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप जितने वीडियो देखोगे आपको 10 कॉइन्स मिलेंगे। जिसको शेयर करोगे तो 250 कॉइन्स मिलेंगे, और उन कॉइन से आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हो फ्री में, और आप अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हो। तो अपना वीडियो चालू करते हैं, इंट्रो लगाते हैं। तो चार्ली चल इंट्रो लगा दे। हेलो। तो गाइस यार, आज हम पोकेमोन लीग में जाने वाले हैं। तो पोकेमोन लीग में हमको एलाइट फोर मिलेंगे। एलाइट फोर मेंबर को हमको हराना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने पोकेमोन कौन सी लेवल पे हैं वो देख लेते हैं। तो अपन ने मैंने देखा था कि मेरे पोकेमोन थोड़े बहुत कम लेवल पे थे, तो मैं उनको ट्रेन करने के लिए लाया था, और ये बस थोड़े बहुत ट्रेन हो गए 60 लेवल पे। अपना लास्ट पोकेमोन आ ही जा रहा है, ये लीवी ने भी 60 लेवल पे आ ही जाएगा। तो ये स्टडी थी इस बोल्डर के पास, इसलिए अब बच गया। ये अपनी लीवी ने 60 लेवल पे आ चुकी है। सारे पकवान अपने 60 लेवल पे आ चुके हैं, और डैमेज बहुत है इनके पास। स्विच बैटल करी थी इलेक्ट्रोस, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप था ना, तो उसके लिए स्विच बैटल करनी पड़ी थी। बहुत टाइम लगा था इसको यहाँ पे ट्रेन करने में, यहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा लग गया है। तो अब अपन चलते हैं अपने एलाइट फोर में, और एलाइट फोर में तो गजब मजा आएगा, क्योंकि यार हर बार तो बहुत मुश्किल पड़ती है एलाइट फोर को हराने में, पर इस बार क्या होएगा एलाइट फोर को हराने में वो देखते हैं। और इस बार मेरे को खुशी इस बात की है कि हर गेम में मेरा एलाइट फोर और चैम्पियनशिप डिलीट हो जाती है, पर इस गेम में अच्छा हुआ अभी तक डिलीट नहीं हुई है, अभी तक मेरे पास ही है। और मैं अभी तक आ चुका हूँ, पर पता नहीं शायद डिलीट हो जाए, पर नहीं होगी इस बार, बहुत संभाल कर रखूँगा मैं। वो दरवाज़ा लगा दिया कि यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, पर तो कोई बात नहीं। बात तो रहा है कि गोस्ट टाइप पकवान यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब समझ रहा मैं, क्योंकि इतनी ऐसी फ्लेम मेगा चारिज़ार्ड और गोस्ट टाइप पकवान के पास ही होती है, तो मेगा चारिज़ार्ड तो आएगा नहीं, गोस्ट टाइप पकवान ही होगा यहाँ पे। तो आइटम अपन एक काम करते से 60 रख देते, और सब आइटम अपन सही कर लिया। थंडरबोल्ट सिखाना है अपन को अपने इलेक्ट्रोस को, इलेक्ट्रोस थंडरबोल्ट सीख ले। ये अपन को केल ने दिया था अपना राइवल, अभी यार थोड़े पिछले एपिसोड में लास्ट में तुमने तो नहीं देखा हो, पर मेरे को याद है पॉकेट सर ने जरूर देखा था, उसका कमेंट आया था कि बिल्कुल अरेबियन डेजर्ट जैसा है। यार तुम भी देख लिया करो, मेरे को लग रहा है थोड़े बहुत देखा होगा। कोफेक्स गिरेगस क्रंच, अच्छा डैमेज कर रहा है, सही है। अब काउंट डैमेज करा, और भी काउंट डैमेज करा, फुल डिस्टर्ब, और भी काउंट डैमेज करा। ये क्या हो रहा है, कम पे कम डैमेज होता जा रहा है। कोई बात नहीं, लुकारियो अपना आयरन फिस्ट संभाल लेगा। एक डार्क पल्स तो नहीं लगा इसको हराने में, पर कोई बात नहीं, दो डार्क पल्स में तो हार ही गया। और अब चैंडलर आ रहा है, चैंडलर तो याद है मेरे को, फायर फायर टाइप है, पर क्या है ये हमको हरा पाएगा, देखते हैं। फायर ब्लास्ट,
मजाक तो भारी पड़ गया यार, माँ ढला उसने। कोई बात नहीं, इसका स्कॉल्ड है ना, स्कॉल्ड संभाल लेगा। एक बार स्कॉल्ड अटैक लग जाए, और यार मैं भी भूल गया था, और यहाँ बच गया आती है, बच गया मतलब ये, मैं तो भूल गया था। फाइटिंग टाइप भी तो है ही है, फाइटिंग टाइप है तो क्या हुआ, हरा तो दिया ना उसने, गोल्ड रखाया। इसके लिए तो मेरे को ना ड्रेक को निकाल देना चाहिए, और यार लीवेनी को निकालना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, ड्रेक सही है अपना, तो जीता तो जाएगा। ड्रेक बंदा भी गजब है, दो अर्थ पावर लगेंगे बस शायद तक, ओ शायद तब ज़्यादा लगे। ओ फुल रिस्टोर यूज़ नहीं करा, मुझे तो लगा था फुल रिस्टोर यूज़ करेगा तब ज़्यादा करना पड़ेगा। ड्रिब्लिंग और इलेक्ट्रिक जेम ने ताकत बढ़ा दी, और ड्रिब्लिंग भी गया शाउंटल। और जब मैं एलाइट फोर लड़ रहा हूँ ना, तो इतने इनके पीछे बेटल साउंड, और ये इंटेंस इतना हो रहा है, मतलब और आगे जाएंगे तो शायद तक तो और इंटेंस होएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। रिवाइवल हर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पागल बन रहा हूँ मैं। चल मोमो मिल के एक पड़ा, वो भी यूज़ कर लेते हैं, इसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं। मैंने भी कहाँ यूज़ करा, कोई बात नहीं, पागल बनती ही बहते हैं मेरी। एनर्जी पाउडर यूज़ कर लेते हैं, 11 से ही अब तो और कम हो गए होंगे, 11 से बहुत कम कर दी मैंने तो, 5 ही हो गए अब तो, 6 यूज़ कर लिए। चलो पहला एलाइट 4 ही अच्छा था। बकड़ 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 बम बेबो, इसमें जाएंगे अपन तो। चलो इसके अंदर जाते हैं, आमने सामने का हम बिट कर लेते हैं। स्टील टाइप लग रहा है मेरे को, जिम मतलब जिम क्या, एलाइट फोर स्टील टाइप ऐसा लगाना यार, ये स्टील टाइप है तो ये, पर इसको देख के तो इलेक्ट्रिक टाइप लग रहा है। एक काम करता हूँ, ड्रैग निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक टाइप होगा। बालों और इसके स्टेज के कलर से लग रहा है एक इलेक्ट्रिक टाइप होगा, स्विच कर लेते हैं। चलो अब आ जा, अब आ जा, तेरे को हम बताते हैं मार्शल, मार्शल। वैसे मैंने गलती से ही सही पर सही पोकेमोन को आगे रख दिया था, क्योंकि फ्लाई टाइप ही पोकेमोन अपन को चाहिए इन लोगों को हराने के लिए। और हमारा ड्रेक एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन भी है, प्लस नहीं है ये ग्राउंड और डिगन टाइप है, अब फ्लाई टाइप अटैक कर सकता है तो अपने लिए तो एडवांटेज ही है ना। ओ मच्छरों का सीजन, मच्छर बहुत तेरे यार, एक एक को चुन चुन के मारना पड़ेगा। चलो माइंड शो फ्लाई कर लेते इस पर। ओ नहीं, ये माइंड शो की स्पीड बहुत तेज है यार, मैं भूल चुका था, माइंड शो बहुत तेज है तू। पर कोई बात नहीं, देखते हैं मेरा बेस्ट पोकेमोन वर्सेस तू। तू 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 तू, चल मेरा बेस्ट पोकेमोन ने तेरे को हरा दिया, कोंगेल्डर। चल कोंगेल्डर को भी देखते हैं मेरा पोकेमोन हरा पाता कि नहीं। हे मरा, वो मिस हो गया टेक, वो तो अटैक मिस हो गया, नहीं होता था तो मार खाता। अब देखते हैं नॉर्मल टाइप वर्सेस फाइटिंग टाइप। नॉर्मल टाइप के पास डिसएडवांटेज होते हुए भी पूरी मेहनत से अपनी मुच्छों से कोई मार वार कर रहा है, मुच्छे कटने का भी डर है, उसके पास धोने हैं जो उससे कूट सकता है। पर हमारा नॉर्मल टाइप पोकेमोन क्या किसी फाइटिंग टाइप से कम है कहा, हाँ है कम, मर भी गया, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी थी जी छोरे। अब हमारे पास इलेक्ट्रो से थंडर बोल्ट दे दो। पहला मैच भी इसने ख़त्म करा था भाई एलाइट फोर का, ये सेकंड मैच देखते हैं कौन ख़त्म करता है, ये ख़त्म करता है या कोई दूसरा पोकेमोन हमारा। नहीं ऐसा लग रहा है दूसरा पोकेमोन ख़त्म नहीं करेगा, शायद तो यही ख़त्म कर देगा ऐसा लग तो रहा है। कम डैमेज करा ना इसको, और इसकी कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है इस पूरे गेम में, तो डिसएडवांटेज एक भी नहीं। और लेविटेटर और इसके पास जो ग्राउंड टाइप पोकेमोन असर नहीं करेंगे।
मैं तो भूल ही गया था, मैंने बोल्टर के साथ मैच करा था तब मैंने। कोई बात नहीं यार, उसके पास रॉक टाइप भी तो थे। हाँ मैं तभी सोचा था मैं इसको पूरा बैटल करा देता, वैसे भी वो ग्राउंड टाइप हमले करता तो यूज़ ही नहीं होते ना, पर कोई बात नहीं, उसने रॉक टाइप हमले भी यूज़ करे थे। इलेक्ट्रोस 27 HP पे आके उसको हरा दिया, और अपना एक ऐसा पोकन बन चुका है जिसने दो दो इलेक्ट फोर को लास्ट में हरा है, लास्ट में ऐसा नहीं पूरा हरा है। चल सुबह वॉशन पूरा यूज़ कर लेते हैं, कभी भी टाइम नहीं है। तो चलो इस जगह पे चलते हैं, यह सीढ़ी अच्छी है, आइस टाइप लग रहा है मेरे को तो बिल्कुल। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, ये आइस टाइप वाली को तो यूं हराएंगे अपन, आइस टाइप है ना, नहीं तो पता चले। और ये बंदी कौन है, लोटस में से निकली, लोटस के रोज रोज में से निकली, जो भी था मेरे को पता नहीं, वाइट रोज होता है, होता है उस पर से निकली, रोज में से निकली है कैटलिन। ओ मुशायरा चल रहा, मुशन्ना आई मुशायरे, तो हमारे सामने मुशायरा गाती रह जाएगी। लेवल 62 पे तुम्हारा बस फ्लेम हॉग आने वाला है, और देखते अब क्या फ्लेम हॉग बच पाता है या नहीं। आज हमारे पास एक सीरियसली एक हो चुका है कि हमारा ड्रीम ईटर करा इसने, और सुपर इफेक्टिव ड्रीम ईटर, और हमारा फ्लेम हॉग बस जग चुका है, और ये फ्लेम थ्रो करते हुए और ड्रीम ईटर यूज़ नहीं हुआ, और एक और फ्लेम थ्रो करा और फ्लेम थ्रो करते ही वो गई मुशारना मुशायरा गाने, और फ्लेयर ब्लिट आ चुका है। तो हम एक काम करते हैं, रोल आउट को हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रोक टाइप अटैक है पहले ही, और एक भी लेजेंडरी का यूज़ नहीं करा हमने, नेताओं पास तीन तीन लेजेंडरी है, उनका यूज़ करते तो बेचारे सब डर जाते हैं, पर टीम में नहीं है, पीसी में रख रखे। और फ्लेयर ब्लिट्स की एनिमेशन तो गजब थी, सही है, पीछे एकदम गजब सा एक आ गया था वो फ्लेयर ब्लिट्स अटैक हुआ था। और लीवियानी को हमने सिजिल के सामने बुलाया, क्योंकि उसके पास शेडो क्लो है, और मुझे अब पता चला था कि इसी जल साइड टाइप पोकेमोन है, हार गया सारा। पहले बहुत हराया था इसने हमारे विक्ट्री रोड में, तीन तीन पोकेमोन से कुछ दो तीन, फिर इस तो भी शेडो क्लो से हार जाएगी, एक वन हिट को हो जाएगी, नहीं होगी इसको थ्री हिट को चाहिए या फिर ज़्यादा, क्योंकि इनके पास फ्लो फुल रिस्टोर भी तो होता है ना, या फिर कम, इसने अब कम ही लगेगा इस पर तो। बेरे नहीं देते ना तो गजब सही बच जाती वो अभी भी, पर बेरे दे रखे थे ना तो फुल रिस्टोर यूज नहीं कर पाई है। चलो आपस हील करते हैं अपने पोकेमोन को, और इस बार सिर्फ दो ही पोकेमोन अरे एथर यूज़ कर लिया क्या मैंने, हाँ एथर यूज़ कर लिया। तो इस बार तो हमारे ज़्यादा पोकेमोन डैमेज भी नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी, और ये पोकेमोन भी हील हो चुके हैं, बर्न हील का ले जा रहा हूँ, बर्न टाइप फायर टाइप पोकेमोन के पास बर्न हील का ले जा रहा था। कोई बात नहीं, अब लास्ट बचा है एलाइट फोर, इसको हराते हैं, और इस एलाइट फोर को हराएंगे तो फिर अपन पहुँच जाएंगे अपने चैम्पियन के पास, और देखते हैं चैम्पियन हम अगले एपिसोड में कैसे हरा पाते हैं उसको चैम्पियन। और जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है ना उससे वो ऐप डाउनलोड करके आप अपने व्यूज़ को प्रमोट कर सकते हो। मेरे बाकी के व्यूज़ तो आपके जैसे आए थे, पर 80 व्यूज़ मैंने उससे प्रमोट करे थे, 80 140 में से 80, तो बाकी 60 तुमने बढ़वाए थे। लियापॉड फेक आउट नहीं, लाइफ पार्ट है आराम से, मोबाइल लाइट एक बार वो तेरे को धोखा देगी, मत पढ़ धोखा दे देगी वो,
मार दे आज उसे। बात मान ली इसने, समझ गया, धोखा दे दिया, मार रहे थे वो उसे। अब क्रोकोडाइल को तो हरा देंगे क्योंकि ग्राउंड टाइप पर उनकी स्पीड थोड़ी कम ही होती है। ये कंपनी फोन करती बार बार, पहले पोर्शन उसका लेते हैं, मतलब कंपनी सोडा पो हाइपर पोर्शन। और तबाला 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 कर डाला और अर्थ के न जीत पा रहे इसको, तो कोई दूसरा रहेगा। चल शेर दिखा दे अपना कमाल, तो क्या शेर अपना कमाल दिखा पाएगा या फिर वो भी दूसरों को जैसा हार जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल की स्पीड तो है बहुत तेज और शेरू उससे है धीरे, और शेरू नॉर्मल टाइप के साथ सर्फ अटैक इस्तेमाल कर रहा है, पर मुझे लग रहा है कि वो फुल रिस्टोर यूज़ करेगा और करा भी सही। और तो क्या, फुल रिस्टोर वर्सेस सर्फ अटैक, तीन सर्फ चाहिए इसको एक बार में हराने के लिए। और इसने अगर पोशन यूज़ करा, मतलब फुल रिस्टोर यूज़ करा, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। बस अर्थ वेक करा, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होगा साला, ने डैमेज कर दी यार, ज़्यादा डैमेज कर दिया रे। ओ ये क्यों क्या, तो आज ने ड्रैगन क्लो करा, देखते ओ देखो क्या लगा, ड्रैगन क्लो करेगा हम मर जाएंगे। ओह उड़ गया हम तो, पता नहीं कहाँ उड़े हम तो, दिख भी नहीं रहे, वैसे ही सामने खड़े क्या। हाँ ए मार डाला तो उसको, हट माँ हमको मारेगा। चल ड्रेक आया, आ देगा ड्रेक तो, ये लास्ट एलिट फॉर मेम्बर बहुत टाइम ले रहा है। फ्लाई अटैक यूज़ कर, एक बार मार दे, ज़्यादा कुछ नहीं कह देंगे एक्सीडेंटली था, एक्सीडेंटली किल्ड। ऊपर उड़ उड़ के मारेंगे, उड़ उड़ के मारेंगे, ओए उड़ उड़ के मारेंगे बेटा, क्या कर लेगा तू, ओए हमको मारेगा वो गेम्बो, खुश हुआ ये तो डैमेज नहीं कर पा रहा माँ, ये डैमेज नहीं कर पा रहा माँ, इसको तो हरा दे कल यार, हमारा आयरन फेस्ट आएगा। और एसपीआर जल्दी करो, इतनी मिक्री नहीं करनी हमको, हाँ नहीं करनी। ए चलो यार हार गया तो साला, गंगा किनारे वाला। ओ एलाइट फोर, चलो ये एलाइट फोर का ये मेंबर तो हार गया, हम जीत गए, और अब हमारा मैच होगा चैंपियनशिप है, तो वो चैंपियन का मैच है ना, तो सकड़ा पिसर वो करेंगे। चैंपियन तुम तो दूसरा मैच पर जाओगे हार, क्या क्या है बजा देंगे तुम्हारा बाहर, लेट्स डिफीट द चैंपियन एट द नेक्स्ट एपिसोड। सब ठीक है ठाक है, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट एपिसोड टू अनदर डे, कल मतलब दूसरा एपिसोड आ जाएगा शायद तक पक्का नहीं है, पक्का नहीं रे शायद तक, बीच में हम जाएंगे बेटा जाएंगे, चैंपियन को हराएंगे, स्पीड भी अच्छी है हमारी। या हरा डाला चैंपियन का, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर ही जाना है, पर एक बार नीचे देख लेता कहीं कुछ हो तो, यहाँ पर भी नहीं है। टाउन में अपनी डांसिंग मशीन खोलनी होती है, हाँ डांसिंग मशीन, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वापस भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, यहीं कहीं कुछ तो होना चाहिए यार, इतना बड़ा बैकग्राउंड मतलब दे रखा है, या बैटल ग्राउंड लग रहा है मेरे को तो, पूरा बैटल ग्राउंड। अच्छा सीढ़िया चलते हैं, आज सीढ़िया भी गजब दीवार जैसे लग रही है यहाँ पर, सेव करते हैं पहले तो, शायद तक कभी वो सामने से उठा के मैच कर दे,
तो वो मैच इस एपिसोड में नहीं रहेगा ना, पर हजार सीढ़े चढ़ जाएंगे, बच्चे चैंपियन तेरे पास आ जाएंगे। अच्छी पोजीशन, ये अच्छा सा गुड्डा लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा टेडी गुड्डा, बिल्कुल गजब सा गुड्डा जैसा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और वो लिंक